Welcome guys, welcome to my YouTube channel. समझ आया मुझे रखें. Well guys, ये आज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली साइड. इस साइड को हमने 40 किलोवाट्स के इन्वर्टर यूज़ किए हैं और 48 किलोवाट्स के सोलर पैनल यूज़ किए हैं. ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज हैं. ऊपर हमारे एसी के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज हैं और नीचे हमारे डीसी के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज हैं. ये हमारा एसी इनपुट का कंबाइनर बॉक्स है. इसमें 16 MV केबल यूज़ किया हमने, रेड येलो ब्लू ब्लैक. और ये हमारा इन्वर्टर नंबर 4 का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है. इसमें इनपुट आउटपुट पे श्नाइडर का ब्रेकर यूज़ किए हैं. इनपुट पे हमने 40 एम्पीयर का ब्रेकर यूज़ किया है और आउटपुट पर हमने 32 एम्पीयर का ब्रेकर यूज़ किया है. और ये हमारी बैटरी बैंक की बस बार है कंबाइनर की. इसमें हमने 3 अर्थ लगाए. इस साइड पर हमने 3 अर्थिंग की हैं. 1 अर्थिंग की हमने डीसी की और 1 अर्थिंग की हमने एसी की, डीसी की. और तीसरी हमने अर्थिंग की है लाइटिंग एक्सेस के लिए. लाइटिंग एक्सेस भी साइड पर इंस्टॉल की है. उसकी वीडियो भी मैं साथ में अटैच कर दूँगा और देखूँगी. 2 लाइटिंग एक्सेस हमने इंस्टॉल किए साइड के ऊपर. और जो लाइटिंग हमारे जो अर्थिंग बोर्ड था वो 50 फीट के हमने बोर्ड की. उसमें रॉड्स हमने डिफरेंट साइज़ की यूज़ की. जो एसी अर्थ पर यूज़ किए, इसी अर्थ में के रॉड यूज़ की 10 फुट की, वो 2.5 इंच की थिकनेस है उसकी. और बाकी जो एसी और डीसी अर्थ की हमने रॉड यूज़ की कॉपर की, वो हमने 1 इंच की रॉड यूज़ की और 25 एम की केबल यूज़ की उसके ऊपर. वेल गाइस, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छी लगती है तो, डिसलाइक कीजिए अगर बुरी लगती है तो. और सजेशन लाजमी दीजिए क्योंकि हम बिलीव करते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर. और वी रियली लव योर सजेशंस. Criticism, we love it. Thanks guys. Thanks for watching. Assalamualaikum.